नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद के कारण जो हालात बने हैं, आज उसके ऊपर बात होगी। दोस्तों, मीडिया में जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं उनके अनुसार चीन सीमा की रखवाली का जिम्मा ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के पास है, और ITBP के बार बार मांग करने के बावजूद उनको कई साल से अतिरिक्त बटालियन का जो मंजूरी है, जो उनको मंजूरी मिलना चाहिए, वो अभी तक भारत सरकार से नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा दो डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर भी मांग उन्होंने की है, उसका भी अभी तक कोई भी उनको मंजूरी नहीं मिला है। दोस्तों, मीडिया में जो समाचार आ रहे हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि ITBP से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अकेले ले लद्दाख यानी कि लद्दाख रीजन में 8 अतिरिक्त बटालियन उनको चाहिए, और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में उनको ITBP को 12 अतिरिक्त बटालियन का प्रस्ताव उन्होंने भेजा हुआ है भारत सरकार के पास, जो कि उसकी मंजूरी नहीं मिली है। दोस्तों, मीडिया में जो समाचार मिल रहे हैं उसमें इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि सूत्रों ने यह कहा है कि सेना और सुरक्षा बल यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो शौर्य है वह हमेशा चीन को मात देता आया है, पर यह भी बात सही है और वह बात सत्य है कि हम साजो सामान और आधारभूत ढांचे के मामले में उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको हम समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि जब जब भारत और चीन की सीमा के ऊपर जो स्थितियां हैं वे संवेदनशील होती हैं, तो ITBP के अतिरिक्त बटालियन वाले प्रस्ताव के ऊपर विचार मंथन होता है, लेकिन बाद में जब स्थिति ठीक होती है तो इसे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जब ITBP के DG कृष्णा चौधरी जी थे तब लद्दाख में अतिरिक्त बटालियन के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया था। दोस्तों, मीडिया में यह भी बताया जा रहा है कि जब इसके बारे में कृष्णा चौधरी जी से पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार से सूत्रों का कहना है कि ITBP चीन जैसी संवेदनशील सीमा पर भारी दबाव में अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रही है। मानव संसाधन की कमी सुरक्षा बलों में बड़ा ये पहले से मुद्दा है। सूत्रों ने कहा है कि सेना के अलावा ITBP से भी पेट्रोलिंग के दौरान कई बार चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई है, और इस प्रकार से सरकार को चाहिए कि ITBP को जो अतिरिक्त बटालियन की मंजूरी उनको समय से मिल जाए, जिससे कि देश की सुरक्षा किसी खतरे में ना आ पाए।